चलिए फ्रेंड्स, हम आज पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का फिजिक्स का चैप्टर 10, 11th क्लास का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और उसमें फ्लूइड डायनामिक्स वाला पोर्शन पे आज फोकस करेंगे. राइट, तो पहली डेफिनेशन है स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो, फ्लूइड डायनामिक्स का क्या मतलब है पहले तो वो देख लें. स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, पहले तो ऐसा लिख लें. फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, और उसके बाद आप हेडिंग दे दीजिए स्ट्रीमलाइन फ्लो, STREAMLINE, स्ट्रीमलाइन फ्लो, या ऑब्लिक करके लिख दीजिए स्टेडी फ्लो. स्टेडी फ्लो, अगर एक पाइप में से लिक्विड का स्टेडी फ्लो हो रहा है, तो जैसे ये पॉइंट पी है, जो भी मॉलिक्यूल आज कहीं भी है, पर अगर यहां से गुजरेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर है, स्टेडी फ्लो है, शांत फ्लो है, तो कोई भी मॉलिक्यूल जब इस पॉइंट पी से गुजरेगा, तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर बार सेम होगा. यही बस लिखना है आपको. एट अ गिवन पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन टाइम. आगे लिख दीजिए वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल मे चेंज एज इट मूव्स. जो पार्टिकल यहां से कहीं और जाएगा, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, पर जो जो भी यहां से गुजरेगा ना, उसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी. चाहे जो कोई नया पार्टिकल यहां से आधे घंटे बाद भी गुजरे ना, और अगर वही फ्लो मेंटेन्ड है, सेम स्टेडी फ्लो मेंटेन्ड है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी. बाकी वो कहीं और जाने के बाद उसकी वेलोसिटी नए सिरे से गवर्न होगी. कहीं और जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो वहां के डायनामिक्स डिसाइड करेंगे. तो फिर से दोबारा दीजिए स्ट्रीमलाइन इज द पाथ टेकन बाय अ पार्टिकल अंडर अ स्टेडी फ्लो. एक पार्टिकल जो पाथ लेता है स्टेडी फ्लो में, उस लाइन को स्ट्रीम लाइन कहते हैं, फुल स्टॉप. फिर अगली लाइन में लिख दीजिए इन स्टेडी फ्लो ईच पार्टिकल फॉलोज अ स्मूथ पाथ. इन स्टेडी फ्लो ईच पार्टिकल फॉलोज अ स्मूथ पाथ. ऐसा है, इस तरह की भी हो सकती है टिपिकल ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल इन स्टेडी फ्लो. ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल यहां है, फिर यहां है, फिर यहां जा रहा है, पर होगा वो स्मूथ ही. इस स्मूथ पाथ को आप एक स्ट्रीम लाइन कह सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी में या मैग्नेटिज्म में जैसे लाइंस ऑफ फोर्स हुआ करती थी, ये वैसा ही कुछ है. लिख दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम लाइन्स. इस लाइन को हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं, जिस लाइन के अलॉन्ग स्ट्रीम बह रही है. प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, पॉइंट नंबर वन, Tangent to a streamline at a point is the direction of fluid velocity, FLUID, is the direction of fluid velocity at that point. अगर यहां मैं tangent खींच दूंगा ना, तो इस instant पे fluid particle की velocity ये है. अगर यहां मैं टेंजेंट खींच दूंगा ना,
तो इस इंस्टेंट पे फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, ये इंपॉर्टेंट इसमें से कुछ भी नहीं है। खैर सेकंड पॉइंट लिख दीजिए, नो टू स्ट्रीम लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर दो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को नहीं काट सकते, अदरवाइज एन इनकमिंग फ्लूइड पार्टिकल कैन गो आइदर वे, अगर एक स्ट्रीम लाइन ये है और एक स्ट्रीम लाइन ये है, तो जो पार्टिकल यहां से आ रहा है, जब वो यहां आएगा तो उसको तो स्ट्रीम लाइन के अलोंग जाना है, तो इस वाली स्ट्रीम लाइन के अलोंग जाएगा कि इस वाली स्ट्रीम लाइन के अलोंग जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि उसके पास डाउट हो। लिख दीजिए, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट अ पॉइंट इज यूनिक इन स्टेडी फ्लो। अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है तो एक पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूरी तरह डिफाइंड होगा, तो दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यहां तक भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आया है, अब काम की बात आ रही है और वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, नाम से ही क्लियर है कि पहली शर्त यह है कि जिस फ्लूइड की आप बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली बह रहा हो, तभी तो हम उसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे। इसलिए ये बहते हुए लिक्विड की प्रॉपर्टी, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कोई फ्लूइड स्टैटिक्स रुके हुए लिक्विड पे थोड़ी ना लगाई जा सकती। लिख दीजिए, दिस द फ्लूइड शुड बी कंटिन्यूसली इन फ्लो, only then the equation of continuity can be applied. Continuous flow hona chahiye. Ekdam continuous flow hona chahiye. It cannot be applied for fluid at rest. ये जो बातें हम कर रहे हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड रेस्ट पे हो तो ये बातें नहीं की जा सकती। फिर आगे लिख दीजिए अगली लाइन में, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। एक ही शर्त है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स होनी चाहिए, मतलब यहां ऐसा कोई ये आवश्यकता नहीं है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई फ्रिक्शन वगैरह ना हो। लिक्विड का आइडियल होना जरूरी नहीं है, बस इनकंप्रेसिबल होना जरूरी है। लिख दीजिए, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द फ्लोइंग लिक्विड टू बी आइडियल, मतलब बेसिकली विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं। विस्कोसिटी अगर है भी, अगर विस्कस लिक्विड है भी, तो भी आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। वैसे ये बातें भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, सिर्फ जो उसने लिखा ना बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास उसको अंडरलाइन कर लीजिए, कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन डैश कंजर्वेशन ऑफ मास। बाकी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो और फिर आइडियल हो या ना हो, ये बातें शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक पाइप है, ये मे बी पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। मास, अगर लिक्विड कंटिन्यूसली बह रही है तो मास एंटरिंग पी पर यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम, वही बात है। खैर मास एंटरिंग पी इन अ चलो गिवन टाइम मस्ट बी इक्वल टू मास लीविंग क्यू,
in a given time. जितना मास यहां से एंटर करेगा उतने मास को यहां से निकलना ही होगा. एक्चुअली इसका उल्टा सही होता है. जितना मास यहां से निकल पाता है ना पर सेकेंड, उतना ही फिर यहां से एंटर होता है. एक्चुअली ये पहले डिसाइड होता है कि कितना निकल पाएगा, उसके हिसाब से ही यहां एंटर होता है. एनीवे इतना तो पक्का है कि ऐसा नहीं हो सकता कि रास्ते में से कुछ मास इसमें ऐड हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहां से जो मास आया था वो कुछ कहीं और चला जाए या कहीं रास्ते में जमा हो जाए. जितना अंदर एंटर होगा उतना उसे निकलना ही पड़ेगा, ना कहीं इसके जमा होने का कोई और जगह नहीं है कि आधा मास कहीं और जमा हो गया. गिवन टाइम में या यूनिट टाइम में जितना मास एंटर हो रहा है उतना ही मास निकलता है, क्योंकि मास को कहीं और आने जाने की जगह नहीं है. क्लोज पाइप है ना, तो मास एंटरिंग इज इक्वल टू मास लीविंग. अब मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी टू वॉल्यूम. मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी टू वॉल्यूम. तो मे बी हम जैसे ये मान लेते हैं कि ये ऐसा है, यहां पे ऐसा है, तो इतना मास ये डिस्टेंस, ये लेंथ है और ये लेंथ वेलोसिटी इनटू टाइम होगी. मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है मे बी एरिया इनटू लेंथ. ठीक है ना, तो मास अगर मैं बोल रहा हूं कि मतलब ये जो लेंथ है इसको ही मैं बोल सकता हूं कि वी डेल्टा टी है. ये जो मास है, ये जो लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी टू टाइम. बहुत थोड़े से टाइम टी के लिए आप ये एरिया कांस्टेंट मान लीजिए, तो यहां वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. और अगर यहां वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, अगर यहां वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो फिर यहां पर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी टू टाइम. तो मास पर यूनिट टाइम अगर मैं ले लू एम बाय डेल्टा टी, तो वो हो गया रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी. ये दिस इज मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम. और अगर ये दोनों बराबर हैं, अब चूंकि डेंसिटी सेम है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी सेम है, तो मैं बोल सकता हूं रो वन ए वन या रो पी ए पी वी पी इज इक्वल टू रो क्यू ए क्यू वी क्यू. और डेंसिटी तो दोनों के सेम है, तो ए पी वी पी इज इक्वल टू ए क्यू वी क्यू, या शॉर्ट में बोल सकता हूं एरिया इंटू वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट. इस इक्वेशन को कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं. एरिया इंटू वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट. मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मास लीविंग पर यूनिट टाइम, या मास कंजर्वेशन, या आपने डेंसिटी बोल दिया तो वॉल्यूम कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं. अब ये वॉल्यूम कंजर्वेशन हो गया. मास का फॉर्मूला है ये, पर अगर आप पर यूनिट टाइम की बात करते हैं, पर यूनिट टाइम की बात करते हैं, तो बेसिकली ये आ जाएगा. अब ये वॉल्यूम कंजर्वेशन है पर यूनिट टाइम में. वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए इंटू एल, पर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला है एरिया इंटू वेलोसिटी. ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है. कोई भी लिक्विड अगर कंटिन्यूसली बहे चली जा रही है, कोई भी लिक्विड कंटिन्यूसली बहे चली जा रही है, तो जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी. जहां जहां भी एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी. इसके एग्जाम्पल के रूप में हम एक बात देखते हैं. जैसे ये रिवर है, रिवर बेड, नदी है कंटिन्यूसली बह रही है, ये रिवर बेड है, और रिवर में यहां जो है डेप्थ ज्यादा है और यहां डेप्थ कम है. यहां डीप वाटर है, यहां डीप वाटर है, यहां शेलो वाटर है, और कंटिन्यूसली नदी बह रही है. मैं तालाब की बात नहीं कर रहा, बहती हुई नदी की बात कर रहा हूं. ये तो सदियों से कंटिन्यूसली बहते ही चली जा रही है. तो बस फिर तो एरिया इनटू वेलोसिटी सेम होगा. जितना पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट टाइम, जितना पानी की वॉल्यूम यहां से निकलेगी उतनी यहां जाएगी. तो यहाँ एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी. और इसीलिए हम लोग बोलते हैं डीप वाटर रन स्लो. जो गहरा पानी है, जहां भी आपको पानी शांत दिखेगा वहां पानी ज्यादा गहरा होगा,
नदी में वहां पैर मत डाल दीजिएगा जहां पानी शांत है. डीप वॉटर रन स्लो. फिर आगे लिख दीजिए एट इन नैरोअर पोर्शन. जो नैरो पोर्शन है स्ट्रीमलाइंस आर क्लोज. जो नैरो पोर्शन होता है वहां स्ट्रीमलाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड. वेलोसिटी इंक्रीजेस. वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर ऑल्सो चेंजेस. एंड प्रेशर ऑल्सो चेंजेस. प्रेशर भी चेंज हो जाता है. प्रेशर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो अब लिक्विड जो प्रेशर मार पाएगी, लिक्विड जो प्रेशर मार पाएगी वो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा. वेलोसिटी चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन हुआ या रिटार्डेशन हुआ है, कुछ हुआ है, तो बस उससे जो लिक्विड में फोर्स लगा सकती है लिक्विड, या जो प्रेशर लगा सकती है, वो प्रेशर में कहीं ना कहीं कुछ चेंज होगा. क्या चेंज होना है वो हम बाद में पढ़ेंगे. पर हाँ, अगर ऐसा पाइप है तो स्ट्रीम लाइन्स हम लोग ऐसे दिखाते तो हैं, नैरो दिखाते तो हैं. यहां पर हम लोग स्ट्रीम लाइन्स ऐसे दिखाते हैं, यहां पर पास पास दिखाते हैं. ये यहां पर जहां एरिया कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा है, या स्ट्रीम लाइन्स आर क्राउडेड. यहां पास पास है, क्राउडेड स्ट्रीम लाइन्स. वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स में बोलते हैं कि यहां इंटेंसिटी ज्यादा है, और यहां लाइन्स ऑफ फोर्स आर स्पेस्ड अपार्ट. यहां लाइन्स ऑफ फोर्स थोड़ा दूर दूर है. जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रीम लाइन्स पास पास है. फिर हेडिंग दे दीजिए क्रिटिकल स्पीड. क्रिटिकल स्पीड लिख दीजिए मैक्सिमम स्पीड अप टू विच फ्लो इज स्टेडी. वह मैक्सिमम स्पीड जहां तक फ्लो को स्टेडी माना जा सकता है. इफ वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल, अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है, देन द फ्लो इज स्टेडी. अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है, पानी शांत बह रहा है, धीरे धीरे बह रहा है, तो फ्लो स्टेडी है. एंड इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल देन इज टर्बुलेंट फ्लो. तब ये फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, विक्षिप्त, उच्छृंखल हो जाता है. पानी कहीं कहीं कूदता फांदता भागता रहता है. तेज पानी के प्रवाह में जैसे आप पैर रख दें तो फिर पानी का फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं बचता, फिर वो रैंडमली कहीं कहीं जाता है, वो टर्बुलेंस कहलाता है. ओके, हेडिंग दे दीजिए लेमिनार फ्लो. यहां भी कुछ ऐसी विशेष इंपॉर्टेंट बात नहीं है. लेमिनार फ्लो ऐसा कुछ रहता है. लिख दीजिए वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स मे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स. वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स मे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स बट द डायरेक्शंस आर पैरेलल. बस इतना ही फर्क है स्ट्रीमलाइन फ्लो में और लेमिनार फ्लो में. ये लेमिना की तरह बह रहा है. स्ट्रीमलाइंस जो हम बनाते थे उसमें तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी कर्व्ड हो सकती थी. यहां लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल है. बाकी सब स्ट्रीमलाइन फ्लो की ही प्रॉपर्टीज है लेमिनार फ्लो में भी. तो ये जो डिफरेंस भी है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ये डिफरेंस भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है. तो फ्लूड अगर बहती हुई लिक्विड है तो उसके न्यूमेरिकल्स में पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में आना ही चाहिए, A1V1 = A2V2. कोई भी डेफिनेशन किसी भी विशेष काम की नहीं है, सिर्फ इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल बनते हैं A1V1 = A2V2 वाले. इसमें ज्यादा है तो ऐसा न्यूमेरिकल बन जाता है कि पाइप ऐसा जा रहा है, ये ऐसा. अब ये A1 है, ये A2 है, यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है, और ये एरिया A है और यहाँ वेलोसिटी V है. तो शायद आप मास कंजर्वेशन सीखेंगे. अगर यहाँ से मास इधर ये आ रहा है तो ये M1+M2 है. फिर पर यूनिट टाइम कर दीजिए, जितना मास यूनिट टाइम में यहाँ से आएगा उतना ही यहाँ और यहाँ जाएगा, और बस फिर तो AV = A1V1 + A2V2
हद से हद ऐसा न्यूमेरिकल बनता है इसमें, ये टोटल इनकमिंग मास है और ये टोटल आउटगोइंग मास है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में केसीएल लगाते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, इनकमिंग करंट, दिस इज इनकमिंग वाटर करंट, इनकमिंग वाटर करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग वाटर करंट। ये इनकमिंग मास इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग मास, बस हद से हद इतना न्यूमेरिकल आएगा इस पे और केवल यही आएगा, बाकी इस चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा। केवल ये आपको ध्यान देना है, बस ये अगर आप करने को तैयार हैं, एरिया जरूर पाई आर स्क्वायर वगैरह हो सकता है, एरिया में पाई आर स्क्वायर आ सकता है, या एरिया में अगर मोस्टली तो वो सर्कुलर सेक्शन ही रहेगा, अगर सर्कुलर सेक्शन ही है तो एरिया आप कुछ ऐसा ही लेने वाले हैं, एरिया का ऐसा ही फॉर्मूला लेंगे। अब फिर मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम फ्लो या वॉल्यूम फ्लक्स या वॉल्यूम फ्लो, या इसको डिस्चार्ज भी कहते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, और ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है। तो ये एक प्रकार से एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम है, और ये ए इनटू वेलोसिटी है। जो ए इनटू वी देख रहे थे ना हम, उसे हम लोग फ्लो, वॉल्यूम फ्लो कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। इसकी यूनिट होती है बेसिकली मे बी यहां से मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया इंटू वेलोसिटी हैज यूनिट्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बहुत सारी और ऊपर बातें की हमने, लेमिनार फ्लो, स्टडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, उससे ज्यादा कहीं शायद काम की बात यह है कि वॉल्यूम फ्लो की, वॉल्यूम जो फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लक्स की या डिस्चार्ज की यूनिट क्या है, उसके डायमेंशन क्या है, एल क्यूब टी माइनस वन। एरिया इंटू वॉल्यूम, ये थी कंटिन्यूटी इक्वेशन, और इस पे केवल एक न्यूमेरिकल आपको करके जाना है, ये ए वी इज इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू वाला, और कोई न्यूमेरिकल आपको इस पे करना ही नहीं है, आएगा ही नहीं। इसी तरह अब हम बात करते हैं बर्नौली प्रिंसिपल की। हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बर्नौली प्रिंसिपल। तो मैं तो इसका डेरिवेशन भी करा रहा हूं, डेरिवेशन इनडायरेक्टली कुछ हमारे काम का हो सकता है, कुछ ना कुछ सीखेंगे, पर न्यूमेरिकल्स में तो इसका फाइनल जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आएगा वही काम का है। एनीवे, थोड़ा बहुत डेरिवेशन के थ्रू भी कुछ कुछ सीख लेते हैं। तो पहले तो लिख दीजिए, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी था वो दैट वॉज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। और चूंकि एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, इसलिए शायद हम कहीं भी कहेंगे कि फ्रिक्शन वगैरह चीजें प्रेजेंट ना हो, शायद एनर्जी इनकमिंग फ्लूइड की एनर्जी और आउटगोइंग फ्लूइड की एनर्जी हम बताना, इक्वेट करना चाहते हैं। लिख दीजिए, इट इज वैलिड स्ट्रिक्टली फॉर आइडियल फ्लूइड, दैट इज जीरो विस्कोसिटी, और पाइप में भी कोई फ्रिक्शन ना हो, अच्छा स्मूथ पाइप हो, नया पाइप हो, पाइप में भी जंग वगैरह ना हो, फ्रिक्शन पाइप भी ऑफर ना करे, फ्लूइड की लेयर्स भी आपस में फ्रिक्शन ऑफर ना करें, और पाइप भी कोई फ्रिक्शन ऑफर ना करे, तो आइडियल लिक्विड्स होनी चाहिए। नंबर वन लिख दीजिए, बर्नौली इक्वेशन इज वैलिड फॉर, बर्नौली प्रिंसिपल इज वैलिड फॉर नंबर वन आइडियल फ्लूइड्स, नंबर टू जीरो फ्रिक्शन एट पाइप, नंबर थ्री इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये तो वैसे आइडियल में आ रहा है अलग से, पर अलग से बता देते हैं, हमारा उस समय मतलब था फ्रिक्शन का ना होना, अब इनकम्प्रेसिबल भी होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है फिर स्टेडी फ्लो भी होना चाहिए। बर्नौली थ्योरम में सब कुछ होना चाहिए, पर कंटिन्यूटी इक्वेशन में शायद अगर विस्कोसिटी होगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, विस्कस लिक्विड में भी हम बोलेंगे कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। खैर, ये जो पॉइंट्स हैं ये एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, आपको तो इसेंशियली मोटे तौर पे बस इतना ही पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इन मास कंजर्वेशन
और बर्नौलीज प्रिंसिपल यानी एनर्जी कंजर्वेशन, बस इतना ही काफी है। तो ये ऐसा हम एक पाइप ले रहे हैं, ये वर्टिकल प्लेन में है, इसके सेंटर की जमीन से हाइट h1 है और इसके सेंटर की जमीन से हाइट h2 है, ये ग्राउंड है। यहां से फ्लूइड को पुश किया जा रहा है अंदर p1 से, और यहां जब लिक्विड बाहर आ रही है तो ये शायद एटमॉस्फेयर को पुश करके लिक्विड बाहर आ रही है। p2 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये p1 वो प्रेशर है जो मैंने किसी मोटर से अप्लाई किया होगा लिक्विड को इसमें पुश करने के लिए। यहां वेलोसिटी v1 है, यहां एरिया a1 है, यहां वेलोसिटी v2 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 है ना। यहां पर वेलोसिटी, यहां एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, और वेलोसिटी ज्यादा है तो किसी दिए गए टाइम इंटरवल में ये इसका v1 डेल्टा t ये होगा, और यहां एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, ये जो लेंथ है ये v2 डेल्टा t होगी सेम इंटरवल में। ठीक है, तो बेसिक बात तो यही है कि यहां से जो हमने लिक्विड पे वर्क किया है इसे अंदर पुश करने में उतनी एनर्जी से बाहर निकलेगा। मतलब बेसिकली यूं मान लीजिए कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं कि वर्क डन, जो नेट वर्क डन होगा ना इस लिक्विड को जो हम देंगे, वो नेट वर्क एनर्जी थ्योरम से जो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है, मोटर जो वर्क कर रही है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा के। तो यही लिख दीजिए कि वी आर अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वी आर अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, सो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा के ऑफ द मास इन मूवमेंट। और द मास इन मूवमेंट, जितना भी मास मूव हो रहा है उस पर हमने जो नेटवर्क किया वो उसकी डेल्टा पी प्लस डेल्टा के ई के बराबर है। अब क्या हो रहा है, यहां आई एम डूइंग वर्क ऑन द फ्लूइड और जितनी मैंने एनर्जी दी उसमें से कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगी क्योंकि हाइट तो बढ़ी रही है, कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी और बची हुई एनर्जी से ये खर्च हो जाएगी क्योंकि एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट, एटमॉस्फेयर को चीर के लिक्विड बाहर आ रही है ना, तो इट विल डू वर्क ऑन द एटमॉस्फेयर इन कमिंग आउट। तो मुझे नेट वर्क डन निकालना है, यहां मैं एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम पे वर्क कर रहा है और यहां पानी बाहर निकलने में एटमॉस्फेयर पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आगे लिख दीजिए वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड पे जो वर्क डन ऑन द फ्लूइड है, यहां पे जो वर्क डन ऑन द फ्लूइड है W1 दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मे बी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो W1 है ये है प्लस P1A1V1 डेल्टा टी, क्योंकि मेरा फोर्स भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। जो प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूं किसी मशीन के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है प्रेशर इनटू एरिया। इसको मैं बहुत छोटा पोर्शन लेना चाहता था, डायग्राम में थोड़ा क्लैरिटी का बड़ा दिखा दिया, जहां तक मैं एरिया को कॉन्स्टेंट A1 पे मान सकूं, इतने तक तो मैं एरिया को करीब A1 पे कॉन्स्टेंट मान ही सकता हूं, बस यही की बात कर रहा हूं। फोर्स है प्रेशर इनटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट है v डेल्टा t। सो ये मैंने इनपुट वर्क दिया है लेफ्ट एंड पे। आगे लिख दीजिए अगली लाइन में वर्क डन बाय द फ्लूइड, वर्क डन बाय द फ्लूइड एट द अदर एंड, वर्क डन बाय द फ्लूइड एट द अदर एंड, यहां पे इन पुशिंग द लिक्विड आउट, इन पुशिंग द लिक्विड आउट
against the external pressure. ये जो W2 है ये है P2, फिर A2, फिर V2, फिर डेल्टा T. बट आपने जहां लिखा ना वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ऑन को अंडरलाइन कर लीजिए आपकी बार, वर्क डन ऑन द फ्लूइड. नहीं सॉरी, ये वर्क डन बाय द फ्लूइड ही है, ये फ्लूइड है क्योंकि फ्लूइड का फोर्स इस तरफ है, फ्लो इस तरफ है, ये वर्क डन बाय द फ्लूइड है. और मैं इंटरेस्टेड हूं वर्क डन ऑन द फ्लूइड में, तो वो तो इसके अगेंस्ट ही होगा. वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज माइनस पी टू ए टू वी टू डेल्टा टी. या मैंने जो वर्क किया इसके ऊपर उसकी वजह से इसको कुछ एनर्जी दी और इसमें आगे मूवमेंट हुआ, फिर उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी ये खर्च हो रही है अपने आप को एटमोस्फियर के अगेंस्ट चीर के बाहर आने में. फ्री एक्सपेंशन टाइप का तो नहीं है, इसे बाहर निकलने में एटमोस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट धक्का मारना पड़ेगा. तो इसने जो वर्क किया वो पॉजिटिव किया, पर मैंने जो वर्क किया वो नेगेटिव किया. वर्क डन बाय द फ्लूइड इन कमिंग आउट इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज नेगेटिव, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड. अगली लाइन में यही लिख दीजिए कि टोटल नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड. फ्लूइड पे जो टोटल वर्क हमने किया है, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, वो जो नेट वर्क डन है W नेट, वो W1 माइनस W2 है. सो वो P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T है. ये नेट वर्क डन है जो फ्लूइड पे, वर्क डन ऑन द फ्लूइड. ऑन और बाय का आप उसमें ध्यान रखें. डेरिवेशन हालांकि डायरेक्टली किसी भी काम का तो नहीं है, पर वो ऑन या बाय में कहीं कुछ क्वेश्चन पूछ तो सकते हैं. अभी ये एक्चुअली क्या हो गया, एरिया इनटू वेलोसिटी, ये तो हो गई बेसिकली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और आप इसे टाइम से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये एक्चुअली कुछ हो गई P1, भाई ये एरिया इनटू वेलोसिटी होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल V हो गया. तो एक्चुअली ये P1 इनटू डेल्टा V है और माइनस P2 इनटू डेल्टा V है, और वॉल्यूम दोनों तरफ सेम होता है. वॉल्यूम जो इतना इनपुट हो रहा है उतना ही वॉल्यूम बाहर भी निकल जाता है. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जो नेटवर्क हमने बाहर से इस पे किया है, इस लिक्विड को पाइप में से पुश करने के लिए मोटर के द्वारा एक्सटर्नल वर्क, वो ये है भाई, एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया वॉल्यूम. सो प्रेशर इनटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी तो जो इनपुट वॉल्यूम है वही आउटपुट वॉल्यूम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से. तो बस ये नेटवर्क डन है, ये नेटवर्क डन है, और हम जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा के. फिर आगे लिख दीजिए, अगली लाइन में लिख दीजिए, मास पासिंग थ्रू द पाइप इन टाइम डेल्टा टी. मास पासिंग थ्रू द पाइप इन टाइम डेल्टा टी, तो मास हो जाएगा एक प्रकार से डेंसिटी टू वॉल्यूम, और मास इन टाइम टी, ये वॉल्यूम कैपिटल वी लिख रहा हूं, वेलोसिटी छोटा वी, वॉल्यूम बड़ा वी, और क्लैरिटी के लिए ऐसा लिख देता हूं, टाइम टी में चाहिए तो इनटू डेल्टा टी भी कर देता हूं. तो डेंसिटी और वॉल्यूम यानी एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेल्टा टी. ठीक है, जो मास, क्योंकि मैं एक्चुअली अब उसमें जाना चाह रहा हूं, मेरे को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टर्म चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टर्म चाहिए. सो जो मास है वो है बस रो डेल्टा वी, रो डेल्टा वी है ना, मास पर यूनिट टाइम, टाइम को चलो नीचे ले आ देता हूं, तो मास पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रो इनटू डेल्टा वी. ये हो गया, ये टाइम में नीचे ले आया, तो एरिया इनटू लेंथ, जितना वॉल्यूम अंदर पुश हुआ है ये वही बात है, जितना वॉल्यूम अंदर पुश हुआ है
वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पुश्ड हो जाएगा। तो ये यही इनकमिंग मास है और यही आउटगोइंग मास है। अब हम लिखना चाहते हैं इस टर्म के बाद, लिख दीजिए चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू लिखना चाहता हूं, जो कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है, तो वो एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन है। और एम की जगह मैं रो इंटू डेल्टा वी लिख ही चुका हूं। जितना मास मैंने अंदर पंप किया है, जितना मास मैंने अंदर पंप किया है वो ये है बस। अब इसी तरह डेल्टा के ही और निकाल लूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम फिर वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। और मास की जगह मैं यही लिख लूंगा रो डेल्टा वी, रो मैंने लिख ही लिया है, डेल्टा वी मास की जगह ये लिख लिया इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो ये डेल्टा पी हो गया ये, और ये डेल्टा के ही हो गया। और अब मैं वो इक्वेशन लिखना चाहता हूं, लिख दीजिए फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर से वर्क फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय एक्सटर्नल प्रेशर, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा के। और वो जो आया था वो आया था P1 माइनस P2 इनटू डेल्टा V, और ये आ रहा है रो डेल्टा V G H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो डेल्टा V इनटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये डेल्टा V और ये डेल्टा V कैंसिल हो गया। अब मैं सारे वन के टर्म्स इस तरफ ले आता हूं और सारे टू के टर्म्स उधर ले आता हूं, तो इधर हो जाएगा P1 प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर। सारे वन के टर्म LHS पे इकट्ठे कर लिए और सारे टू के टर्म RHS पे इकट्ठे कर लेते हैं, तो हो जाएगा इधर P2 प्लस रो जी एच टू, रो जी एच टू ये प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। ये फाइनली जो इक्वेशन आई है अल्टीमेटली तो हमें बस इसी से मतलब है। इसको हम एक्चुअली बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। शायद इसका डेरिवेशन भी आपको दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको फिर हम जनरल टर्म्स में इस तरह से कह देते हैं कि किसी भी सेक्शन के लिए P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। ये बेसिकली हमारी बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन है। इसको आपको 5 स्टार देने होंगे, एक ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू को भी आपको 5 स्टार देने होंगे। प्रेशर है ना, एक्चुअली प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो रो जी एच है ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमें खैर काम तो यही आएगा, पर हम एक बार समझना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी एच, अब मास अपॉन वॉल्यूम किया तो डेंसिटी बची। इस फ्लोइंग लिक्विड की किसी भी यूनिट वॉल्यूम में मैं कह सकता हूं कि इस यूनिट वॉल्यूम में प्रेशर एनर्जी का सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम और काइनेटिक एनर्जी का सम कंजर्व रहता है, अगर वो आइडियल लिक्विड ऑफ इंटरनल या एक्सटर्नल फ्रिक्शन ना हो तो। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते ही थे
बहती हुई लिक्विड में एक एडिशनल लिक्विड है प्रेशर एनर्जी। इस टर्म को देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी था, मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो वो डेंसिटी बच गया, इसलिए ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, इस टर्म को मैंने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो ये हो गया रो जी एच, मास अपॉन वॉल्यूम को मैंने डेंसिटी लिख दिया। यूनिट वॉल्यूम में सारी एनर्जीज का सम कांस्टेंट रहता है। असली बात जो मुझे सीखनी है वो शायद ये कि बहती हुई लिक्विड में एक प्रेशर एनर्जी है और उसका वॉल्यूम प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, उसका फॉर्मूला प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है। तो यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी ये हो गई पी, यही सिखाना था। तो लिख दीजिए, अ फ्लोइंग लिक्विड हैज एन एडिशनल एनर्जी, अ फ्लोइंग लिक्विड हैज एन एडिशनल एनर्जी कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। फ्लोइंग लिक्विड हैज एन एडिशनल एनर्जी कॉल्ड प्रेशर एनर्जी एंड इन अ वॉल्यूम वी ऑफ द लिक्विड, इन अ वॉल्यूम वी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग अंडर प्रेशर पी, फ्लोइंग अंडर प्रेशर पी, द टोटल प्रेशर एनर्जी इज पीवी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार आप इसको दे सकते हैं। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला पीवी है, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला पीवी है एंड इन यूनिट वॉल्यूम द प्रेशर एनर्जी इज पी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से अलग से 3 स्टार लगा के लिख दीजिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हैज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हैज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। ऐसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, इसके भी तो डायमेंशंस प्रेशर्स के थे ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था वायर इलास्टिसिटी में, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन के तो कोई डायमेंशन थे नहीं और स्ट्रेस यानी प्रेशर। एनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब होती है उसके डायमेंशन प्रेशर के होते हैं, वो प्रेशर ही है। तो लिक्विड में प्रेशर एनर्जी है पीवी, लिक्विड में प्रेशर एनर्जी है पीवी। फिर से अलग से लिख दीजिए, प्रेशर एनर्जी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात तब आती है जब लिक्विड हाइट बढ़ जाती है, जब आपके नीचे वाले माले से ऊपर वाले माले पे आप पानी पंप ऊपर करते हो तो बेसिकली पानी की हाइट बढ़ रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। लिख दीजिए क्लियरली, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू हाइट, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू हाइट, व्हाइल प्रेशर एनर्जी इज रिलेटेड टू प्रेशर। भाई आप एक सीरीज में, एक डॉक्टर इधर सीरीज में इधर लिक्विड पुश करता है, ये लिक्विड पुश करता है सीरीज में, वायल में दवाई भर के ऐसे आगे भर पुश करता है तो जो मास ऊपर लिफ्ट हो रहा है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा गेन नहीं हो रही और खूब ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उसको। इंजेक्शन लगाने के पहले जब वो हवा निकालता है नीडल में से तो डॉक्टर को इसे नीचे से पुश करना पड़ता है, दैट इज अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसी भी प्रेशर के अगेंस्ट अगर आप लिक्विड को पुश करोगे, किसी भी प्रेशर के अगेंस्ट आप लिक्विड को पुश करोगे तो लिक्विड में आप प्रेशर एनर्जी भर दोगे। क्या है प्रेशर एनर्जी हमें जानने का मतलब जरूरत नहीं है, उसका फॉर्मूला बताओ कि प्रेशर एनर्जी होती है पीवी, बात खत्म, इतना काफी है। पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास रो जी एच है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ रो वी स्क्वायर है और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सारे पर यूनिट वॉल्यूम में कह रहा हूँ। तो जब मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो डेंसिटी बची जाएगा और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज पी। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस के लिहाज से भी प्रेशर एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे प्रेशर एनर्जी हो चाहे सरफेस एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी तो एनर्जी है, P
पी वी के डायमेंशंस एम वन एल टू टी माइनस टू होंगे। प्रेशर एनर्जी हो चाहे सरफेस एनर्जी हो, एनसीईआरटी का अपेंडिक्स चेक कीजिएगा, गलत दिया उसमें सरफेस एनर्जी के डायमेंशंस। प्रेशर एनर्जी हो चाहे सरफेस एनर्जी हो चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी के डायमेंशंस हमेशा एम वन एल टू टी माइनस टू ही होंगे। ऑलराइट, फिर एक क्वेश्चन लिख दीजिए। व्हेन अ फ्लूइड इज एट रेस्ट, व्हेन अ फ्लूइड इज एट रेस्ट, ऐसा ही ये पाइप, ये मान लेते हैं ये ऐसा कंटेनर है और फ्लूइड रेस्ट पे है, बस इसमें लिक्विड भरी है और वो रेस्ट पे है। मे बी ये हाइट H1 है और ये हाइट H2 है, यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है और ये रेस्ट पर है। अब रेस्ट पे है तो फ्लूइड स्टैटिक्स का केस है, पर चलो बर्नौली थ्योरम से लगा के देखते हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, नहीं ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, ऐसा होना चाहिए था जिसमें मैं इसको भी जीरो डाल दूंगा और मैं इसको भी जीरो डाल दूंगा क्योंकि रेस्ट पर है पूरा लिक्विड कॉलम। सो पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो जी एच टू माइनस एच वन। फ्लूड स्टैटिक्स का केस है, फ्लूड स्टैटिक्स का केस है तो जो प्रेशर डिफरेंस है That is only due to vertical height. Fluid statics का केस है, यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज ओनली ड्यू टू वर्टिकल हाइट, ऐसा वो करके दे सकता है। इसका एरिया भी वो अलग दे सकता है, बोल देगा यहाँ एरिया ए है और यहाँ एरिया टू ए है, फिर कहेगा प्रेशर डिफरेंस की इक्वेशन लिखिए। ऐसे कोई फंडू छोटे छोटे सवाल फिर भी आ सकते हैं। अगर रेस्ट पर है तो वेलोसिटी ना यहाँ है ना यहाँ है, फिर एरिया से कोई लेना देना नहीं है आपका, फिर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो लगा ही नहीं सकते। बर्नौली थ्योरम हमने फिर भी लगा ली क्योंकि उससे रिजल्ट सेम आ गया, जो प्रेशर डिफरेंस है वो वर्टिकल हाइट के कारण है। यहां पर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इतना इतना जो लिक्विड कॉलम है उसने यहां पर प्रेशर ज्यादा लगाया है, बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होता है, ये पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा तो P1 इज ग्रेटर देन P2। बॉटम पे लोअर पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि इस पॉइंट पे जब आप खड़े हैं तो इसके ऊपर काफी लिक्विड जो यहां प्रेशर लगा रही है। और इसी तरह से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख दीजिए कि लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप, a liquid is flowing through a horizontal pipe. Discuss the pressure variation. ये भी अच्छा काफी important है। ऐसा है मान लीजिए ये ऐसा है, ये यहाँ V1 है, ये V2 है, आपको pressure variation discuss करना है। horizontal pipe है यानी मे बी जमीन से इसके center की जो height है वही जमीन से इसके center की height है। तो एक्चुअली P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज अ कांस्टेंट। इसमें मैं ये वाला टर्म तो लू ही नहीं, इसको तो मैं जीरो डाल दूंगा क्योंकि हाइट का वेरिएशन नहीं है। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ऐसी कोई इक्वेशन आ रही है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल पाइप में बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है और वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास जो भी ले लो, यहां काइनेटिक एनर्जी कम है तो मतलब बेसिकली यहां काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और इससे पोटेंशियल एनर्जी में तो सॉरी कोई चेंज नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं है तो प्रेशर एनर्जी बढ़ गई। ये इंपॉर्टेंट बात लिख दीजिए, एट द पॉइंट वेयर एरिया इज मोर वेलोसिटी इज लेस, सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, वेलोसिटी कम हुई है सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड प्रेशर एनर्जी इंक्रीजेस, प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है।
बेसिकली जब हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट है, तो एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में तो कन्वर्ट हो सकती है, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में तो कन्वर्ट हो सकती है। तो यहां पे हम यही बोलेंगे कि व्हेन द वाटर फ्लोज फ्रॉम नैरोअर टू वाइडर सेक्शन, जब पानी बह रहा है फ्रॉम नैरोअर सेक्शन टू वाइडर सेक्शन, इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू प्रेशर एनर्जी। जहां पाइप मोटा पाइप है ना, वहां ज्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा। हम लोग को देख के समझ नहीं आता कि पानी की वेलोसिटी ज्यादा है कि पानी का प्रेशर ज्यादा है, ये हम देख के भेद नहीं कर सकते। कभी कभी हम बोलते हैं आज हमारे घर में पानी कम प्रेशर से आया है, यही टर्मिनोलॉजी चल पड़ी है, ये नहीं बोलते पानी कम वेलोसिटी से आया है। शायद जब वो ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है तो वो कम प्रेशर से आ रहा है। उसके नीचे हाथ रख के देखिएगा, आपको फील होगा पानी का प्रेशर। एनीवे, हम उनके ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे। यहां तो इसका मतलब ये है कि जहां एरिया ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा है। बहती हुई लिक्विड में देखो, जहां एरिया ज्यादा है वहां वेलोसिटी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज है नहीं। तो ये एक 5 स्टार वाला पैराडॉक्सिकल टाइप का स्टेटमेंट हो गया, विरोधाभासी टाइप का। इन फ्लूइड स्टैटिक्स वेयर एरिया इज मोर प्रेशर इज मोर, जहां एरिया ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा है। अगर मैं प्रेशर का ग्राफ बनाऊंगा ना, ये तो कुछ ऐसा टाइप का बन सकता है। ये प्रेशर वर्सेस ये एक्स का ग्राफ है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे जैसे आप वाइडर सेक्शन में जाते हैं, जैसे जैसे वाइडर सेक्शन में जाते हैं, जब भी वेलोसिटी कम होती है तो प्रेशर बढ़ता है, ये ध्यान रखिए। जब भी वेलोसिटी कम होती है तो प्रेशर बढ़ता है। ज्यादातर हाइट्स में इतना कोई फर्क आता नहीं, ये अपना महामंत्र हो गया, यहां महामंत्र हो गया, एज वेलोसिटी डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, ये महामंत्र हो गया इस चैप्टर का। जैसे ही वेलोसिटी जहां कम होगी उस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, ये बर्नौली थ्योरम का महामंत्र हो गया आपके लिए। तो छोटे छोटे अगर क्वेश्चन आने हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यही हो गई कि जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन चलती हुई सामने से आ रही है, नॉनस्टॉप गुजर जा रही है आपके सामने से, तो आपके सामने की एयर की वेलोसिटी ज्यादा हो गई ना, तो वहां प्रेशर कम हो गया। जहां आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे वहां प्रेशर ज्यादा है, और पटरी पे प्रेशर कम है, तो बस हो सकता है पटरी आपको खींच ले। जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा, और जहां वेलोसिटी ज्यादा, जहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वहां प्रेशर एनर्जी कम। एनर्जी एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो देती रहती है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बहती हुई लिक्विड में। लिक्विड अगर कंटिन्यूअसली बह रही है, लिक्विड कंटिन्यूअसली बह रही है, तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, एंड वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू अनदर। फिर से लिख दीजिए, इन अ कंटिन्यूअसली फ्लोइंग फ्लूइड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग अगर फ्लूइड कंटिन्यूअसली बह रहा है, तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम। प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम सेम रहता है, एंड वन कैन गेट कन्वर्टेड टू द अदर, एक जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। यहां पे हमने ये देखा कि जहां एरिया ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स में नहीं लगा सकते। ऐसी एक वार्निंग लिख दीजिए कि इन फ्लूइड डायनामिक्स वी शुड मोस्टली अवॉइड, ऑलवेज तो नहीं कह रहा मैं, वी शुड मोस्टली अवॉइड द यूसेज ऑफ द फॉर्मूला पी इज़ इक्वल टू एफ बाय। मोस्टली हम प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया को अवॉइड करें। इट इज वैलिड इन फ्लूइड स्टैटिक्स। ये फ्लूइड स्टैटिक्स में तो वैलिड है, फ्लूइड डायनामिक्स में वैलिड नहीं है। यहां तो प्रेशर एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हालांकि इनमें सोचने लायक ये भी बात है कि फोर्स भी कांस्टेंट था या नहीं था। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया है, और फोर्स भी अगर चेंज हो रहा हो तो फिर हम डायरेक्टली प्रेशर और एरिया में कोई रिलेशन बता नहीं सकते, है ना। लिख दीजिए इन फ्लूइड स्टैटिक्स, इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया।
फ्लूड स्टैटिक्स में अगर फोर्स कांस्टेंट है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एरिया। कॉम्प्लेक्स बातें मेनली आप तो इसेंशियली मोटे तौर पे भी यही पकड़ के चलो कि फ्लूड स्टैटिक्स में प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया आप लगा सकते हो, फ्लूड डायनेमिक्स में आप नहीं लगा सकते। ये एक क्वेश्चन मैं ऐसा देना चाहूंगा कि ये पाइप है सेम क्रॉस सेक्शन का, यही जमीन है, यही जमीन है, एरिया सेम है, यहां भी एरिया सेम है और यहां भी एरिया सेम है, पर हाँ ये हाइट एच है, ये हाइट एच है। ऑफ कोर्स ये इनलेट है और ये आउटलेट है, पानी यहां से हम पाइप के अंदर पुश चढ़ा रहे हैं और ये ऐसे बाहर निकल रहा है पानी। तो कहता है ऊपर से जब पानी बाहर निकलेगा तो उसकी प्रेशर एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर उसकी प्रेशर एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए सिर्फ एक तरीका है बस सोचने का, ये अगर एरिया सेम है, अगर एरिया सेम है तो फिर वेलोसिटी सेम है और फिर काइनेटिक एनर्जी सेम है। नॉर्मली हमें यह ख्याल आएगा कि जब हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पर यह बात सिर्फ तब था जब एक बॉडी को तुम ऊपर नीचे फेंकते थे। आज बहने वाली लिक्विड है उसमें प्रेशर एनर्जी भी है। अब तक तुम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात करते थे जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ही केवल ध्यान देना पड़ता था। तो यहां तुम क्लियरली कह देते कि भाई हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। लिक्विड्स में ऐसा नहीं चलता क्योंकि यहां आपको प्रेशर एनर्जी के बारे में भी सोचना है। तो फिर पी प्लस रो जी एच इज अ कॉन्स्टेंट ये कहा जाएगा क्योंकि हाफ रो वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही। तो अब हम यहां बोलेंगे यहां पे हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ गई और फिर प्रेशर एनर्जी घट गई। ऊपर वाले माले पे पानी कम प्रेशर से आता है, पाइप तो घर में हमारे जो पाइप यूज होता है वो हम थोड़ी कहीं ब्रॉडर पाइप लेते हैं और कहीं नैरोअर पाइप लेते हैं। हम तो जहां से ये जो पानी चलता है नीचे से उतना ही मोटा पाइप ऊपर 10 माले पे भी ले जाते हैं, एरिया तो सेम है। हम जो अपनी बिल्डिंग्स में पाइप यूज करते हैं उनमें एरिया सेम होता है तो वेलोसिटी पक्का सेम होती है, पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो अब की बार प्रेशर एनर्जी लिख दीजिए, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एट द कॉस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एट द कॉस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी। चलिए हेडिंग देते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ये टॉरसली थ्योरम पढ़ाते हैं इसको, नाम शायद टॉरसली का यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स नाम ही काफी है। और लिख दीजिए एफ्लक्स मींस फ्लूइड आउटफ्लो, एफ्लक्स से हमारा मतलब है फ्लूइड आउटफ्लो, एफ्लक्स। फ्लक्स का मतलब वही वॉल्यूम फ्लक्स से होता है, क्वांटिटी से होता है, एफ्लक्स इज आउटगोइंग। ये मैं कंटेनर ले रहा हूं जिस कंटेनर में ये एक ऑरिफिस है यानी एक स्मॉल होल है, यहां तक इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये इसमें पानी भरा हुआ है, यहां प्रेशर P2 है, ये एरिया में भी A2 है और यहां प्रेशर P1 है, यहां एरिया A1 है, P1 तो शायद एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस होल में से पानी निकलता है एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ, इतना सा दिखा देते हैं, इतना ही बस काफी होल ही है बस, यहां पे तो यहां पे ही होल है, बस ऐसे ही दिखा देते हैं ये। तो यहां से जो पानी का जेट निकलता है ना, पानी का जेट निकलता है वो ऐसा गिरता है, ये जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट है, जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट, और एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह बाहर आता है। इसके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इस पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चीर के ये पानी बाहर आ रहा है, क्लोज्ड कंटेनर है,
ये क्लोज्ड कंटेनर है, ये P2 जो है वो कंटेनर का प्रेशर है, P2 इज कंटेनर प्रेशर, कंटेनर प्रेशर। तो यहां से यहां तक लिक्विड खैर कंटिन्यूअसली बह तो रही है, इसको हम बोल देते हैं ये जो हाइट है ये h है, ये हाइट y1 है और ये टोटल हाइट y2 है, ये। तो बस लिख दीजिए कि y2 इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, y2 इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग बिकॉज द लेवल लिक्विड इज फ्लोइंग आउट ऑफ द ऑरिफिस, y2 कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, लिक्विड जो है क्योंकि ऑरिफिस से निकलती चली जा रही है, एंड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस फ्लो, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लो है, सबसे पहली इक्वेशन हमारे दिमाग में ये आएगी, a1 v1 is equal to a2 v2। यहां मैं वेलोसिटी फ्लो की v2 मान रहा हूं, तो यहां मैं वेलोसिटी v1 मान रहा हूं, a1 v1 is equal to a2 v2। यूजुअली बात कहीं कहीं हम ज्यादातर a2 is much much greater than a1, a2 काफी बड़ा है, तो v2 is much 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 less than v1। तो ये वेलोसिटी हमें तो जीरो ही दिखती है, अगर हम यहां देखें तो हमें पानी नीचे गिरता हुआ दिखता नहीं है, वो तो साइड की वेसल, साइड वेसल की वॉल गीली रह जाती है, उससे पता लगता है पानी थोड़ा नीचे गिर गया है, पर यहां कहीं भी हम फ्लो देख नहीं पाते हैं। यूजुअली हम ऐसे ही केसेस से डील करते हैं जहां ये एरिया एट द टॉप काफी ज्यादा हो होल के एरिया की तुलना। और अब बस एक तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी तो a2 by a1 को इन्फिनिटी डाल भी देंगे, और कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाने के बाद एक ही काम बचता है इसके न्यूमेरिकल्स में, और वो है बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम अगर मैं यहां लगाऊं तो p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी y2 इसको टू p1, यहां पे लगा रहा हूं मैं, यहां और यहां बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा हूं, p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी वाई स्क्वायर रो वी स्क्वायर इसी को टू यहां का प्रेशर प्लस यही हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी वाई वन, ये। और इसमें मैं वी टू वाले टर्म को तो खैर जीरो डाल ही रहा हूं, वी टू वाले टर्म को जीरो डाल ही रहा हूं, और मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट है एक्चुअली वी वन निकालने का, मुझे v1 निकालना है, तो मैं इस सब को इस तरफ ले आता हूं, p2 माइनस p1 प्लस रो जी y2 माइनस y1, शायद p2 माइनस p1 का टर्म भी पॉजिटिव है और y2 की हाइट ज्यादा है, तो रो जी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू हाफ रो v1 स्क्वायर, ये है। तो बस इसमें से मुझे v1 निकालना है। अब मैं y2 माइनस y1 को तो खैर मैं किसी इंस्टेंट पे h डाल सकता हूं, इसको मैं h डाल देता हूं तो ये ऊपर आ जाएगा 2 इंटू पी टू माइनस पी वन प्लस ये 2 जी एच, रो से डिवाइड भी कर देता हूं और इस पूरे का रूट इज इक्वल टू वी वन। तो या तो आप इसे याद करें या इस डेरिवेशन का ध्यान दें, जो होल से निकलने वाली लिक्विड है उसकी वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, ये रूट टू जी एच प्लस टू जो भी प्रेशर डिफरेंस है ये दोनों का टू पी टू माइनस पी वन बाय रो टू बाय रो इंटू डेल्टा पी टू बाय रो, और जो जो बहती हुई लिक्विड है डेंसिटी उसकी है, ये v1 का फॉर्मूला है। खैर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, ज्यादातर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो एक स्टार दे सकते हैं आप हद से हद इसको, मोस्टली क्या होता है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, ऐसा लिख दीजिए इफ
The container is open to atmosphere, तो ये भी P1 है, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाता है. अगर कंटेनर ओपन टू एटमोस्फियर है तो उसी के केस आपको पेपर में ज्यादा आएंगे जब कंटेनर ओपन टू एटमोस्फियर है. तो उस समय जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बन जाएगी ना, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बन जाएगी और रूट टू जी एच आएगी, इस पे जरूर हम 3 स्टार दे सकते हैं कि रूट टू जी एच की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह बाहर निकलता है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रूट टू जी एच है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल कोई भी वो यहां आपको दे ही सकता है. एक बात ये और ध्यान रख लेते हैं, मतलब इसमें क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हाइट एच से गिर लिया, एच क्या है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ऑब्जेक्ट हाइट एच से फ्रीली गिर लिया हो. अगर किसी ऑब्जेक्ट की यू जीरो हो और वो हाइट एच से फ्रीली गिर ले तो उसकी वेलोसिटी रूट टू जी एच होती है ना, वो आप ध्यान रख लीजिए स्टार लगा के कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज सेम एज एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ हाइट एच. वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज सेम एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ हाइट एच विद इनिशियल वेलोसिटी जीरो. इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और हाइट एच से कोई ऑब्जेक्ट गिर लेगा तो उसका फॉर्मूला रूट टू जी एच होगा. तो इससे हमें ये याद करना आसान हो जाता है. पेपर में इसी के आने के काफी चांसेस हैं. ज्यादा फॉर्मूले तो पढ़े नहीं है, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक बर्नौलीज थ्योरम और एक शायद फिर यही वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स. इसमें कभी कभी क्या होता है, ये पी टू ऐसा कर तो सकते हैं पर ऐसा पेपर में आएगा नहीं इस साल. पी टू सपोज इज मच मच ग्रेटर देन पी वन, तो पी टू माइनस पी वन इज वेरी लार्ज, तो फिर ये नेग्लिजिबल हो जाता है. ये कंप्लीट फॉर्मूला तो शायद ही आपको आए, ऐसा लिख दीजिए इफ द कंटेनर प्रेशर इज मच मच ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कंटेनर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, कंटेनर के अंदर अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है देन टू जी एच इज नेग्लिजिबल, ये वाला टर्म नेग्लिजिबल होगा और तब जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होगी, तब वेलोसिटी जो एफ्लक्स होगी वो होगी 2 by rho इंटू डेल्टा पी. रूट के अंदर. उस बात को भी हम डायमेंशनली तो चेक कर ही सकते हैं, उसके डायमेंशंस भी 2gh वाले आने चाहिए. वो जो टर्म रूट के अंदर जो है, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट टू जी एच तो याद है, ये वाला पोर्शन हमारा थोड़ा सा कमजोर है. तो डायमेंशंस तो इसके भी यही होने चाहिए, तभी तो एक ब्रैकेट के अंदर ही ऐड हो रहे हैं. अब p को यहां मैं h रो जी लग के देख लेता हूं, 2 by rho और p को h रो जी रख के देख लो तो ये कैंसिल हो गया, तो ये भी 2gh आ गया. अब मुझे वो कंप्लीट फॉर्मूला शायद याद हो जाए. वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का एक टर्म तो रूट टू जी एच आता ही है और एक टर्म आता है 2 by rho, फिर मे बी पी टू माइनस पी वन टाइप का टर्म. ये 2 है, 2gh है और ये 2 के अलावा ये भी पूरा gh है, क्योंकि पी टू माइनस पी वन को मैं रो gh लिख सकता हूं, तो मुझे पूरा फॉर्मूला भी याद हो सकता है थोड़ी मेहनत करने पर. हालांकि इसकी कोई विशेष आवश्यकता है नहीं, पूरा फॉर्मूला आपसे पूछेगा भी नहीं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है. पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये कहता है कि यदि ये रूट टू जी एच है तो रूट के अंदर ये 2gh है तो शायद ये भी 2gh होना चाहिए. मतलब बेसिकली तो gh वाली बात है, डायमेंशन वाली बात है, पर ये भी 2gh है और ये पूरा भी 2gh है. ऐसा अगर आप याद रख लेंगे तो ऑप्शन में से आप अपना आंसर ढूंढ लेंगे. इस डेल्टा पी को एच रो जी डाल दीजिए तो बस रो रो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. तो कंप्लीट फॉर्मूला भी हम लोग वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का याद रख सकते हैं. अगर अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट टू जी एच सबसे ज्यादा कॉमन है. अगर प्रेशर कंटेनर के अंदर बहुत ज्यादा है, जैसे एलपीजी सिलेंडर के अंदर, अगर कंटेनर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है एलपीजी सिलेंडर में जैसे कि, तो फिर वो 2gh वाला टर्म नहीं आएगा, फिर वो आएगा अंडर रूट, फिर 2 by rho, फिर P2 माइनस P1. और अगर कंप्लीट फॉर्मूला चाहिए तो 2 by rho P2 माइनस P1 प्लस 2gh पूरे का रूट, ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स हो गई.
डेरिवेशन जो हमने किया उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, रिजल्ट याद रख पाए तो अच्छा है, और नहीं तो केवल रूट टू जी एच काफी है। कंप्लीट रिजल्ट है रूट टू जी एच प्लस रूट के ही अंदर टू बाय रो ब्रैकेट में पी टू माइनस पी वन, क्योंकि उसके डायमेंशन जब मैं डेल्टा पी को एच रो जी लिख देता हूं तो रो रो कैंसिल हो जाता है तो ऊपर फिर से टू जी एच आ जाता है। ऑल राइट, अब हम फाइनली पढ़ रहे हैं ये वेंचुरी मीटर। ये शायद टफ लगेगा हमें शुरू में थोड़ा, पर ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं। टफ लगेगा शुरू में, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो खैर ये टफ भी नहीं लगेगा, पर फॉर्मूला भी थोड़ा लेंदी है और कैलकुलेशंस भी थोड़ी लेंदी होंगी, इसलिए नीट 2021 में तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ओके, लिख दीजिए, इट्स अ डिवाइस टू मेजर फ्लो स्पीड, फ्लो स्पीड और फ्लो वॉल्यूम। इट्स अ डिवाइस टू मेजर फ्लो स्पीड और फ्लो वॉल्यूम ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप, इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप। ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, यहां से इसको हम ऐसा कट करते हैं, मे बी ये पाइप था बेसिकली, इतना सेक्शन में ही है यहां से, और यहां से कट किया और इसको फिट कर दिया। ये जो पोर्शन है ना इसको वेंचुरी मीटर कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पाइप जा रहा था, उसमें से पाइप में से मैंने इतना सेक्शन कट किया और एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को फिट कर दिया यहां पर। ये जो मैंने फिट कर दिया ना, इस इंस्ट्रूमेंट को मैं बस इतने पोर्शन को मैं वेंचुरी मीटर कहता हूं। यहां से लिक्विड कंटिन्यूसली बह चली जा रही है, यहां से लिक्विड कंटिन्यूसली बह चली जा रही है। यहां एरिया ज्यादा है और यहां एरिया कम है, इसे आप ब्रॉड या वाइड नेक कह देते हैं और इस पोर्शन को आप नैरो नेक कह देते हैं, नैरो नेक। गला है ये, तो गला पकड़ के दबा दिया, इतना का पतला हो गया, यहां पे थोड़ा ज्यादा मोटा था गला। इसमें हम एक यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, यहां पर हम एक ऐसा यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। पानी अच्छे प्रेशर से बह रहा है, यहां कुछ प्रेशर P2 है, एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, वन है यहां पे सब कुछ, V1, यहां P1 है, एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, और यहां पर पानी के अंदर ये P2, A2 और V2 है। मुझे ये पता है कंटिन्यूअसली बहती हुई लिक्विड के लिए कि जहां एरिया कम वहां प्रेशर कम, यहां बहती हुई लिक्विड का प्रेशर कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा तो यहां ये पानी, यहां एरिया ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, ऐसा कुछ होने वाला है। ये मैनोमेट्रिक लिक्विड है इसके अंदर, ये मैनोमीटर है और मैनोमेट्रिक लिक्विड यहां भरी हुई है, तो क्या होता है पानी इसको पुश करता है, पानी प्रेशर लगा के ये बहता हुआ पानी है और ये पानी यहां प्रेशर लगा के ये ब्लू था, ये पूरा ये ब्लू था, नीला पानी, ब्लू पानी, ये इसने जितना भी प्रेशर था अपने प्रेशर के हिसाब से मैनोमेट्रिक लिक्विड को यहां पुश कर दिया, और इसने यहां पे जो भी प्रेशर है उस हिसाब से मैनोमेट्रिक लिक्विड को ज्यादा पुश कर दिया। ये डायग्राम बना के दे सकता है कि कौन सा डायग्राम सही है, कौन सा डायग्राम गलत है। कोई थियोरी का क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो आ जाए, न्यूमेरिकल तो लेंदी बनेगा तो नहीं आएगा। जहां एरिया कम बहती हुई लिक्विड में वहां प्रेशर कम, तो उसने इसको प्रेशर कम है तो कम पुश किया है लिक्विड को नीचे, और यहां प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड को ज्यादा नीचे पुश कर दिया है, और दोनों तरफ मैनोमेट्रिक लिक्विड की हाइट्स में डिफरेंस एच है।
ये एच हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेते हैं बस, इसकी डेंसिटी को मैं रो कहूंगा और इसकी डेंसिटी को मैं रो एम कहूंगा। रो एम मतलब मैनोमेट्रिक लिक्विड, ये मे बी पानी है बेसिकली, तो पाइप में से पानी बह रहा था, पर बेसिक ये एक्सपेरिमेंटल लिक्विड है, बस इसकी डेंसिटी को रो कहते हैं। मैनोमेट्रिक लिक्विड यहां से यहां तक है बस, इसकी डेंसिटी को रो एम कह लेते हैं। और कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, कुछ भी करना हो, ये बात पक्की है कि दो ही स्टेप्स हैं सवाल के। नंबर वन कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो कहेगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और नंबर टू बर्नौलीज थ्योरम, p प्लस हाफ रो b स्क्वायर प्लस रो g इज अ कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हाइट वाला टर्म मत लेना, बस ये दो ही इक्वेशंस हैं, और इनको सॉल्व करके आप अपने मैथमेटिक्स, अपने सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। करना केवल एसेंशियली यही है, ठीक है ना। तो मैं यहां बोल दूंगा एक इक्वेशन तो मेरी ये आ जाएगी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और सपोज मुझे v1 निकालना है, तो मैं v1 अगर मुझे निकालना है तो मैं v2 को एलिमिनेट करना चाहूंगा। v2 है a1 v1 अपॉन a2, ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। कंटिन्यूटी इक्वेशन सबसे पहले लगाना है, सबसे पहले आपको लगाना है कंटिन्यूटी इक्वेशन, और कंटिन्यूटी इक्वेशन की मदद से ये कहना है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और मैं एक्चुअली v1 निकालना चाहता हूं, तो मैं v2 को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो v2 का फॉर्मूला है a1 v1 अपॉन a2, v2 का फॉर्मूला है a1 v1 अपॉन a2। मैं अब बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन लिखूंगा, तो बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन आएगी यहां पर p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, हाइट का तो मैं टर्म ले नहीं रहा, इज इक्वल टू यहां पे p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और v2 स्क्वायर की जगह मैं ये लिख देता हूं a1 v1 बाय a2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और अब ये v1 स्क्वायर ही आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। p1 माइनस p2 को मैं ये h से भी लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा h रो g, जहां रो मैं ध्यान से लिखूंगा मैनोमेट्रिक लिक्विड का, ये जो प्रेशर डिफरेंस है यहां पे वो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ही तो दोनों तरफ की लिक्विड्स में डिफरेंस आया है। यहां प्रेशर p1 ज्यादा था, उसने लिक्विड को ज्यादा पुश कर दिया, और यहां प्रेशर कम था, उसने लिक्विड को कम पुश किया, तो यहां जो प्रेशर का डिफरेंस है वो इस एच में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसकी जगह मैं एच रो जी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू हाफ रो, ये रो अलग है और ये रो अलग है, और आप v1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये है कहानी। इसेंशियली इस इक्वेशन से ही आप v1 निकालेंगे, और मे भी हो सकता है आपको फिर वो वॉल्यूम निकालने को कहे, a1 v1 या a2 v2, वॉल्यूम तो दोनों की जगह सेम है, वो v1 भी मांग सकता है या v2 भी मांग सकता है, वो कुछ भी मांग सकता है, शायद याद करने का कोई विशेष फायदा नहीं है, डेरिवेशन करिए, आपको v1 निकालना है। वेंचुरी मीटर में वॉल्यूम या वेलोसिटी निकालना है आपको, तो जो वेलोसिटी निकालना है उसका फॉर्मूला ये आ रहा है, देखिए v1 स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है 2gh रो एम बाय रो, ठीक है ना। v1 स्क्वायर को ही निकाला है मैंने, ये बचा लिया मैंने, 2 को मैं यहां ले आया, और फिर ये आ रहा है
अपॉन में ए वन स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर, शायद ए बिग स्क्वायर अपॉन ए स्मॉल स्क्वायर माइनस वन होगा, ऐसा होगा ये। देखो मोटे तौर पे वेलोसिटी का फॉर्मूला तो रूट टू जी एच ही है, वेलोसिटी अगर आपको चाहिए तो ये रूट टू जी एच ही है, साथ में ये दोनों डेंसिटीज का रेशियो, मैनोमेट्रिक लिक्विड का अपॉन फ्लोइंग लिक्विड का, इसको तो मैं ऐसा ही लिख देता हूं, बेसिकली तो ये रूट टू जी एच ही है, पर अपॉन फिर अब मैं फिर ये करूंगा इसमें ए बिग स्क्वायर अपॉन ए स्मॉल स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। मतलब बस यही टर्म्स डिफरेंट हो जाएंगे, बाकी तो सब सेम रहेंगे। अब वेलोसिटी बेसिकली तो रूट टू जी एच ही है, ऊपर डेंसिटीज का रेशियो है मैनोमेट्रिक लिक्विड का अपॉन फ्लोइंग लिक्विड का, और अपॉन में अंडर रूट ये है, जैसे रोटेशन में अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाता था, ग्रेविटेशन में जैसे मेरा फॉर्मूला एम जी एच अपॉन वन प्लस एच बाय आर आ जाता था, या वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट टू जी एच की जगह वन प्लस एच बाय आर आ जाता था, या रोटेशन में मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाता था, ठीक है। वैसे यहां पे भी वेलोसिटी है तो रूट टू जी एच तो आएगा, अब अपॉन यहां माइनस में आ रही है चीज, तो वो आप देख लेना आपको आंसर बड़ा लाना है कि आपको आंसर छोटा लाना है, खैर ये माइनस तो रहेगा, एरियाज अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में माइनस साइन तो आएगा ही, ये मैंने बड़ी वाली वेलोसिटी निकाली है। मैं इसको फिर से एक बार बता दूं क्योंकि शायद आप इस रिजल्ट को याद नहीं करेंगे, याद करना भी नहीं चाहिए, शायद इस पर कोई क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है वेंचुरी मीटर पे। एक तो ये फ्लूइड फ्लो नापता है या फ्लूइड वेलोसिटी निकालता है हॉरिजॉन्टल पाइप में, फिर डायग्राम में ध्यान से देखना है कि जहां एरिया ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा है, तो वहां मैनोमेट्रिक लिक्विड को ज्यादा नीचे पुश किया जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां आपने डायग्राम में आप वहां लिख दीजिए, जहां आपने डायग्राम बनाया उसके साइड में लिख दीजिए कि मैनोमेट्रिक लिक्विड इज पुश्ड मोर वेयर एरिया इज मोर, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जहां एरिया ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा है, तो वहां मैनोमेट्रिक लिक्विड थोड़ा ज्यादा नीचे तक पुश कर दी गई है, बाकी तो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू एक चीज, और पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, और P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एच रो जी, इन तीन इक्वेशंस के दम पे आप स्वयं डिराइव कर लीजिएगा अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो। वैसे वेंचुरीमीटर पे कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, आप उसे पूरा छोड़ सकते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल लिख दीजिए, एग्जाम्पल 10.7 है, कहता है इन वाइडर पार्ट ऑफ अ वेंचुरीमीटर, वाइडर पार्ट है वहां एरिया है 8 मिलीमीटर स्क्वायर, और ये हार्ट की शायद डॉग के हार्ट की आर्टरी किसी आर्टरी का एरिया है ये, दैट ऑफ आर्टरी, and the narrow part is an area of 4 millimeter square, जो नैरो पार्ट है उसका एरिया है 4 millimeter square,
कहता प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी कि डायरेक्टली उसने दे दिया, प्रेशर ड्रॉप जो P1 माइनस P2 था ना इन द आर्टरी इज डायरेक्टली दे दिया उसने 24 पास्कल। जो प्रेशर ड्रॉप है जो P1 माइनस P2 है वो डायरेक्टली दे दिया, उसके लिए आपको किसी HRO-G मैनोमेट्रिक लिक्विड की बात नहीं की, उसने डायरेक्ट दे दिया 24 पास्कल। स्पीड ऑफ ब्लड इन द आर्टरी आपको निकालनी है, स्पीड ऑफ ब्लड इन द आर्टरी आपको निकालनी है। डेंसिटी ऑफ ब्लड इज 1.06 × 10³ kg/m³। डेंसिटी ऑफ ब्लड इज 1.06 × 1000। पानी से थोड़ा ही गाढ़ा है ये ब्लड, करीब करीब पानी के बराबर ही है, तो ये मे भी ऐसा लगता है वेंचुरीमीटर का ही क्वेश्चन है ये। ऐसा यहाँ A1 को मैं 8 ले रहा हूं और A2 को मैं 4 ले रहा हूं, यहां में भी प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है, और प्रेशर ड्रॉप डायरेक्टली दे दिया। स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी तो वही भी यहीं पे वेलोसिटी निकालनी है, ये V1 निकालनी है। तो एक तो पहले ये हो गया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, 8 V1 इज इक्वल टू 4 V2, तो V2 हो गया 2 V1 और मैं V2 को एलिमिनेट करूंगा। फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है, हालांकि मैं बोल तो सकता हूं √2gh फिर रो मैनोमीटर P1 माइनस P2, नहीं वो उस पूरे की जगह ही आया था, बेसिक से ही कर लेते हैं। और इसके बाद यहां आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, पूरा हॉरिजॉन्टल है, रो GH का टर्म तो आएगा नहीं, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं 4V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, बात खत्म हो गई, बस इतना सा है। अब P1 माइनस P2 डायरेक्टली मुझे दिया है 24 पास्कल, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही है, बढ़िया है, 2 है। डेंसिटी में नीचे ले आता हूँ और डेंसिटी है 1.06 एक्चुअली ग्राम्स पर सीसी पर केजी पर मीटर क्यूब में यही होगी, दिस इज इक्वल टू 3V1 स्क्वायर। इससे आप V1 निकाल लीजिए, किसी भी फॉर्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ध्यान से बस ये देख लीजिएगा कि आपको वेलोसिटी निकालनी कहाँ है, यहाँ निकालनी है कि यहाँ निकालनी है, वो क्वेश्चन पढ़ के आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। वेलोसिटी आपको निकालनी कहाँ है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से पूरा पढ़ दे रहा हूं ढंग से समझने के लिए। ब्लड वेलोसिटी इसने दिया है, The flow of blood in a large artery of an anesthetized dog is observed, is diverted through a venturimeter. Venturimeter से उसको divert कर दिया उसने. Wider part of the meter has a cross-sectional area equal to that of artery, 8 mm², and the narrower part has an area this much. The artery में से जो blood जा रहा था वो उसने divert किया है venturimeter लगा के. है ना? The pressure drop in the artery is this much. What is the speed of the blood in the artery? तो जहां आर्टरी उसने फिक्स की है, वेंचुरीमीटर फिक्स किया है, वो तो आर्टरी में फिक्स किया है और आर्टरी का एरिया 8 mm² दिया है, तो आर्टरी में मुझे वेलोसिटी निकालनी है, आर्टरी में वेलोसिटी निकालनी है। ये डेरिवेशन से ज्यादा आसान हो गया, किसी भी फॉर्मूले के बजाय ये आपको डेफिनेटली ज्यादा आसान पड़ेगा। पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए, फिर बर्नौली थ्योरम लगाइए, और हाइट का टर्म तो अक्सर तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में आएगा ही नहीं, इतना सा करना है। डेंसिटी को जरा ध्यान से देख लेना कि खाली पानी की डेंसिटी ना ले ली जाए, खत्म बात। इसको आपको सॉल्व करना होगा। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसी बात की एक्चुअली, कि जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। इसमें एक हम स्प्रे गन ले लेते हैं, स्प्रे गन की थियोरी पढ़ लेते हैं, मतलब फिनिट का पंप या हिट का पंप वगैरह, ऐसा ये है, ये मे बी उसका नोजल है,
ये पीछे से हम इसमें कुछ पुश कर रहे होते हैं, ये इससे कनेक्टेड है, इसको जब मैं पुश करता हूं तो यहां एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज, और इससे ये एक ऐसा कंटेनर में, मान लीजिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर का माउथ है, अब क्या यहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो ये लिक्विड विल बी सक्ड अप, इसमें जो लिक्विड भरी है, दिस लिक्विड विल बी सक्ड अप। जब आपसे पीछे आपने इसको स्प्रे किया जम के, इसकी वेलोसिटी बढ़ाई आपने यहां एयर की, तो यहां पर जहां एरिया कम वहां प्रेशर कम, वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम, और प्रेशर कम हो गया तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगी, और फिर आप जो उसे पीछे से हवा फेंक रहे हैं उससे वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट का पंप हो, फिनिट का पंप हो, परफ्यूम हो, कोई भी केस हो, जहां नेक, ये नेक पोर्शन है, नेक पोर्शन में एरिया कम, एरिया कम तो प्रेशर कम, और यहां प्रेशर कम तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ये लिक्विड ऊपर उठ जाएगी। और ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स बनते हैं जहां इस बात का उपयोग होता है कि जहां एरिया कम वहां प्रेशर कम, एरिया कम वहां प्रेशर कम। फ्लूड स्टैटिक्स में आपके दिमाग में बैठा हुआ होता है कि प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, तो आपको लगता है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/a है, और बस इसीलिए ये सवाल थोड़े बहुत आ सकते हैं जो बेसिकली थियोरी के ही होंगे स्प्रे गन टाइप के। इन क्वेश्चनों के आने की फिर भी संभावना है। इसी में मैं आपको बताता हूं, ये चलिए पहले हम इस पर ही आ जाते हैं। हेडिंग दे दीजिए, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। इसमें हमारे हार्ट की जो आर्टरी है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, उसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, लिख दीजिए, ड्यू टू ब्लॉकेजेस कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं, आर्टरी गेट्स कॉन्स्ट्रिक्टेड, उसका एरिया कम हो जाता है अंदर से, आर्टरी गेट्स कॉन्स्ट्रिक्टेड ऑन इट्स इनर वॉल, उसके अंदर की वॉल पे ये इतना आर्टरी का एरिया था, अंदर की वॉल पे ये डिपॉजिट्स हो गए ऑन इट्स इनर वॉल, तो एरिया कम हो गया, एरिया डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस, सो प्रेशर इनसाइड द आर्टरी डिक्रीजेस, एरिया कम तो प्रेशर कम, एरिया कम तो वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर एनर्जी घटेगी, एरिया कम तो डायरेक्ट बोलिए प्रेशर कम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एरिया कम तो प्रेशर कम, एंड मे कोलैप्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, अंदर तो प्रेशर अब कम हो गया तो साइड से ये जो प्रेशर है वो इसको और दबाई देगा, वो और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो तो फिर हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, हार्ट से तुम ज्यादा डिमांड करोगे तो वो कहेगा बस हो गया काम, स्टोरी दी एंड सीटी बजा देगा। ब्लॉकेज के कारण एरिया कम, एरिया कम तो आर्टरी के अंदर प्रेशर कम, तो एक्सटर्नल प्रेशर से वो कोलैप्स हो जाती है आर्टरी, बस इतना ही इस बारे में अगर हम ध्यान रख पाए तो अच्छा है। एक क्वेश्चन इसमें आपसे ये बनता है कि ये पहाड़ी प्रदेशों में घर जो है, घर की छत उड़ जाती है, पूरा घर तो रहता है, हर दो चार दिन में हम लोग अपने घर की छत बदलते रहते हैं, छप्पर फाड़ के आता है जो आता है, इसी को कहते हैं छप्पर फाड़ना, छप्पर उड़ जाना। क्या होता है कि यहाँ पहाड़ी प्रदेशों में, यहाँ बाहर है हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी तो प्रेशर लो, और अंदर तो एयर का मूवमेंट ज्यादा है नहीं तो वेलोसिटी मोर, यहां वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर लेस, सॉरी अंदर वेलोसिटी कम है, अंदर एयर घूम ही नहीं पा रही ज्यादा तो वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा, तो हाई प्रेशर ये है और ये लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक फिर ये छत पूरी उड़ जाती है, घर की दीवारें इंटैक्ट रहती हैं। मुझे केवल आपको ये याद कराना है, केवल ये याद कराना है कि यहां पर वेलोसिटी हवा की ज्यादा है, खुले में हवा की वेलोसिटी ज्यादा है, और वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम है,
और प्रेशर कम है और अंदर वेलोसिटी तो है ही नहीं, एयर मूवमेंट तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है तो छत उड़ जाती है। मुझे एक्चुअली हवाई जहाज का केस आपको याद कराना है, हवाई जहाज में भी यही होते हैं वेलोसिटीज और प्रेशर की जानकारियां, इसलिए केस मैंने पढ़ाया। वैसे केस हमें पढ़ने की जरूरत थी नहीं, पर आपको जो घर के केस में हो रहा है कि अंदर प्रेशर ज्यादा, छत के नीचे प्रेशर ज्यादा क्योंकि वहां वेलोसिटी कम, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हेडिंग दे दीजिए डायनामिक लिफ्ट। डायनामिक लिफ्ट एन एयरक्राफ्ट विंग, ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग। लिख दीजिए एन एयरक्राफ्ट विंग एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, एयरक्राफ्ट विंग एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। हवाई जहाज के विंग का जो शेप है, उसका जो ओरिएंटेशन है, वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है पायलट के द्वारा। वैसे तो बेसिक डिजाइन पे डिपेंड करता है, पर वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है फिन्स को मूव करके। लिख दीजिए ओरिएंटेशन ऑफ द विंग्स इज मेड एज बिलो। विंग्स का जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा हो जाता है। अब इससे क्या एग्जैक्टली तात्पर्य है वो तो मुझे मालूम नहीं, मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूं कि यहां वेलोसिटी होती है लेस तो यहां प्रेशर हो जाता है मोर, और यहां ऊपर वेलोसिटी हो जाती है मोर तो प्रेशर हो जाता है लेस। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस पे एक लिफ्ट लग जाती है, इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स मिल जाता है, उस फोर्स को हम लिफ्ट कहते हैं। मैं अदनान सामी यहां याद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं थोड़ी से तो लिफ्ट करा दे, घर की तो छत ही लिफ्ट करा दी थी हमने, अब ये हवाई जहाज को थोड़ा सा लिफ्ट करा रहे हैं। मैंने घर का एग्जाम्पल इसलिए दिया था क्योंकि आपको घर में तो आपको आसानी से याद रहेगा कि यार अंदर तो वेलोसिटी लेस होगी, तो यहां इस छत के नीचे वेलोसिटी लेस है और प्रेशर ज्यादा है, और छत के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है और प्रेशर कम है, तो जो कंडीशंस यहां है वही कंडीशंस यहां है, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल दिया मैंने। जो कंडीशंस यहां है वही कंडीशंस छत के भी ऊपर नीचे हैं, जो छत के ऊपर नीचे कंडीशन होते हैं वही एरोप्लेन के विंग के ऊपर नीचे होते हैं, बस यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है, प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फोर्स मिल जाता है, इसे लिफ्ट कहते हैं, और यह है डेल्टा पी इंटू ए। जहां तक यहां से यहां तक हाइट का डिफरेंस तो नेग्लिजिबल ही है, तो मैं रोज कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निग्लेक्ट कर रहा हूं, तो पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वेयर, निग्लेक्टिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को निग्लेक्ट कर दीजिए, तो बस पी वन माइनस पी टू आ रहा होगा कुछ, वो हाफ रो वी टू माइनस स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर आएगा, ये डेल्टा पी हो गया, तो फोर्स जो है वो डेल्टा पी इंटू ए है, और इसलिए वो फिर हाफ इंटू रो इंटू वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर इंटू डेल्टा इंटू ये विंग स्पैन है, विंग एरिया है, टोटल विंग एरिया, मतलब दोनों तरफ के पंख का मिला के। इस पर मेरे ख्याल आने की काफी संभावना है, वो यहां वेलोसिटी दे देगा, यहां वेलोसिटी दे देगा, और कहेगा इसको लिफ्ट कितनी मिली है, तो प्रेशर डिफरेंस निकाल लीजिएगा, वो एयर की डेंसिटी दे देगा आपको, विंग की हाइट तो नेग्लिजिबल है, तो पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई विशेष चेंज है नहीं, वो हाइट के बारे में कोई बात करेगा भी नहीं, तो आप उसे निग्लेक्ट कर देना, डेंसिटी देगा और दोनों तरफ की वेलोसिटीज देगा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देना,
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 3 स्टार दे दीजिए। इस क्वेश्चन के एग्जाम में फंसने की काफी संभावना है। एग्जाम्पल 10.8 देखते हैं इसी पर बेस्ड। कहता है एयर, पहले तो ये ध्यान से लिख दीजिए कि आपको दोनों तरफ के पंखों का एरिया लेना रहता है, टोटल विंग स्पैन दोनों का मिला के। अब कह रहा है एयरक्राफ्ट का मास है 3.3 × 10⁵ kg। एग्जाम्पल 10.8 की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो आपको दे रहा है मास है 3.3 × 10⁵ kg। टोटल विंग एरिया उसने साफ साफ बोला है इज 500 m². टोटल विंग एरिया इज 500 m² और सबसे बड़ी बात बोली है लेवल फ्लाइट में, इट इज इन लेवल फ्लाइट, ये हवाई जहाज लेवल फ्लाइट में है, मतलब ऊपर नहीं जा रहा है। तो जो इसका mg है बस वही डायनामिक लिफ्ट को बैलेंस करना है, ये थोड़ी खास बात हो गई। इसकी स्पीड है 960 km/h, इसकी स्पीड है 960 km/h जहाज की, 960 km/h। तो पहला कहता है एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेसेस ऑफ द विंग्स। अच्छा पार्ट है ये, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे 4 स्टार दे रहे हैं फर्स्ट पार्ट पे। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स, एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स। तो प्रेशर डिफरेंस में सबसे पहले तो यही लिख दीजिए बीइंग इन लेवल फ्लाइट, क्योंकि ये लेवल फ्लाइट पे है तो नेट अपवर्ड फोर्स इज जीरो, अदरवाइज इट वुड हैव एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स। वरना ये ऊपर एक्सेलरेट हो जाता। सो फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस या फोर्स ड्यू टू डायनामिक लिफ्ट, force due to dynamic lift is just able to balance the weight of the aeroplane. ये काफी important बात हो गई, level flight वाली बात। तो जो delta p into a है वो इसके mg के बराबर है, तो half rho v2 square minus v1 square into a is equal to mg। m उसने directly दिया है और area उसने directly दिया हुआ है। अच्छा इसकी सॉरी जरूरत नहीं है, यही जो निकालना है, जब आपको यही निकालना है प्रेशर डिफरेंस ही निकालना है तो जो अननोन है वो साक्षात सामने ही दिखता रहे, अननोन को कुछ और कर मत दें, यही था बस, इसी से आंसर आ जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि V1 और V2 ना जैसी जानकारियां तो कोई उसने दी नहीं है। तो और भी इंपॉर्टेंट सवाल है कैलकुलेशन में, और भी छोटा सवाल है ये, कैलकुलेशन के लिए तो बहुत ही छोटा सवाल है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 की जगह 5 स्टार कर दीजिए आप इस पे। प्रेशर डिफरेंस निकालना है आपको, वेलोसिटीज के बारे में अभी कुछ करना ही नहीं है, जब अननोन है, जो अननोन है वो डायरेक्टली फॉर्मूले में दिखता रहे आपको, फिर से लिख दीजिए कि डू नॉट एलिमिनेट द अननोन, रिटेन इट डायरेक्टली इन द फॉर्मूला। अननोन था प्रेशर डिफरेंस, उसे कुछ भी मत लिखिए, प्रेशर डिफरेंस को अंत तक अपने सामने बनाए रखिए क्योंकि वही तो निकालना है। हमारी हैबिट के मुताबिक हमने झट से लिख दिया हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, फिर सवाल में झांक के देखा तो उसने तो डेंसिटी तक नहीं दी है शायद, और कोई एक वेलोसिटी दी है, विंग के ऊपर की वेलोसिटी और विंग के नीचे की वेलोसिटी तो का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो फिर दिमाग चला गया कि उसकी जरूरत नहीं है। बहुत प्यारा सवाल है ये, और इसलिए खास तौर से प्यारा है कि एक तो कैलकुलेशन छोटी हो रही है, ऊपर से आप अननोन को, आपका अननोन घूम जाएगा क्योंकि आदत है डेल्टा पी की जगह हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर लिखने के। जैसे ही हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर लिख देंगे तो अननोन प्रेशर तो गायब ही हो जाएगा। आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना था। इट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका तो आंसर आ जाएगा जो भी आ जाएगा mg/a से।
एरिया इसने दोनों विंग्स का मिला के दिया है, खुद टोटल बोला है, यानी टू टोटल फॉर टू, टू विंग्स का मिला के एरिया टोटल दिया है इसने। इसका पार्ट टू लिख लेते हैं, पार्ट बी है इस सवाल का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम कोई जीरो स्टार देंगे बल्कि कट भी कर देंगे, आप इसे दोबारा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, पर चलिए एक बार पढ़ लेते हैं हम इसको। कहता है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ विंग, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ विंग रिलेटिव टू लोअर सरफेस। और अब इस पार्ट में उसने डेंसिटी एयर की दी है खाली 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, पानी की होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब और इसकी है 1.2 एयर की, केजी पर मीटर क्यूब में 1 है, एयर की डेंसिटी दी है और कहता है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सरफेस आपको निकालना है, फ्रैक्शनल इंक्रीज निकालना है, यानी शायद वी अपर माइनस वी इनिशियल या जहां भी वेलोसिटी बढ़ती है, हाँ ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होती है और ऊपर प्रेशर कम होता है, ठीक है, हमको जो निकालना है शायद वो है वी अपर माइनस वी लोअर अपॉन मे बी बेसिक वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टाइप की कुछ ऐसा कुछ निकालना है इनटू 100। कहता है फाइंड द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग, तो वी अपर माइनस वी लोअर अपॉन बी एवरेज, उसने बोला फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सरफेस विंग रिलेटेड टू लोअर सरफेस पूरा का पूरा बोला हुआ है, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल फ्रैक्शनल हो गया। अच्छा फ्रैक्शनली बोला है तो फिर सॉरी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, परसेंटेज बोलता तो 100 से मल्टीप्लाई करते है ना। अब मुझे यह मालूम है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को मैं V1 प्लस V2 और फिर इधर V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 कुछ तो लिख सकता हूं। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है जो mg बाय a से मेरे पास आ चुका है, इसको मैं लिख सकता हूं हाफ रो, नहीं हाफ नहीं लिखना मुझे, रो एयर की इंटू v1 प्लस v2 बाय 2 इंटू v2 माइनस v1, इसको शायद मैं एवरेज कह सकता हूं। तो प्रेशर डिफरेंस तो मेरे पास ऊपर से पता है mg बाय a, डेंसिटी ऑफ एयर मुझे पता है, ये है v एवरेज इंटू v2 माइनस v1, पर मुझे अपॉन करना है इसको, मैं एक काम करता हूं वी एवरेज से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं, ये तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वी एवरेज से मैं दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं तो जो भी मेरा डेल्टा पी आया है, जो भी डेल्टा पी है अपॉन वी एवरेज इज इक्वल टू डेंसिटी इन एयर टू वी एवरेज माइनस v1 और इधर वी एवरेज, यही मुझे निकालना है। मैं वी एवरेज को भी नीचे ले आता हूं, डेल्टा पी अपॉन वी एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वही फ्रैक्शन जो आप जानना चाहते हो, आप इसको भी नीचे ले आइए आपका आंसर आ जाएगा। मुझे निकालनी थी फ्रैक्शनल डिक्रीज, तो पहले तो मैं इस मेरे पास यही इक्वेशन बची थी हवाई जहाज में, तो यही इक्वेशन बचती है बस, और मुझे कुछ ये निकालना था तो मैंने इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा, फिर ये वाला टर्म मेरे को लग रहा है शायद बी एवरेज है, हवाई जहाज की वेलोसिटी 960 है ना, तो नीचे की वेलोसिटी प्लस ऊपर की वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी 960 आएगी। ओके अब मेरे को v2 माइनस v1 अपॉन v एवरेज चाहिए, फ्रैक्शनल चेंज चाहिए ना, तो इसलिए मैंने v एवरेज से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ताकि क्योंकि ये वाला टर्म तो मुझे यही तो निकालना है मुझे, अब इसको और मैं नीचे ले आता हूं, इसको भी नीचे ले आता हूं, सॉल्व कर लूंगा तो आ जाएगा, और ये फ्रैक्शनल, ये जो फ्रैक्शन आ रहा है इस फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है 0.08, मतलब 8% ऊपर और नीचे एयर की वेलोसिटी में 8% चेंज होता है, खाली शायद वो ये आपको सिखाना चाह रहा है कि सिर्फ 8% वेलोसिटी चेंज से हवाई जहाज का इतना बड़ा वजन बैलेंस कर लेते हैं वो लोग, ये मैसेज देना चाह रहा है। तो इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई भी बात एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, कुछ भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, शायद बस जो पार्ट ए था mg बाय ए वाला, केवल वही आप पढ़िएगा और सेकंड पार्ट आप बिल्कुल एक बार भी मत पढ़िएगा, और प्रेशर डिफरेंस 8% का होता है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड पार्ट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ
मेरे पास और कुछ था तो नहीं करने को, आई वॉज ब्लैंक, जब क्वेश्चन आया तो मैं ब्लैंक था, पर मुझे एक चीज की पक्की गारंटी थी कि हवाई जहाज के सवालों में शुरुआत तो मैं यहीं से लूंगा, हवाई जहाज के सवालों में शुरुआत तो मैं यहीं से लूंगा। अब यूजुअली वो V1 दे देता है और V2 दे देता है और रो दे देता है, फिर आप P1-P2 निकाल लेते हो, इनटू एरिया कर लेते हो तो फोर्स आ जाता है। यूजुअली वो दोनों वेलोसिटीज दे देगा, डेंसिटी दे देगा और विंग के टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देना इस चीज को, RHS को, तो आपको डेल्टा पी इंटू ए फोर्स मिल जाएगा। ये कन्वेंशनल सवाल होगा और उसने बढ़िया सवाल दिया इसका पार्ट ए, जिसमें उसने प्रेशर डिफरेंस ही डायरेक्टली पूछ लिया, फोर्स नहीं मांगा। अगर फोर्स निकालना है तो आपको डेल्टा पी इंटू ए करना पड़ेगा, और प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो आप खाली MG/A भी कर सकते हैं अगर वो लेवल फ्लाइट में है तो। बहुत ही सुंदर सवाल था वो, जो पार्ट ए था, काफी इंपॉर्टेंट था। तो लगभग ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें एक आखिरी बात हम कर रहे हैं थियोरी की, और वो है मैग्नस इफेक्ट, MAGNUS, मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट तो इसका बेसिक कहना ये है कि जब एक क्रिकेट की बॉल को स्विंग किया जाता है ना, स्पिन में तो इतनी ज्यादा काम नहीं आती, स्विंग जब किया जाता है तो वो मैग्नस इफेक्ट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कर्व पाथ है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कर्व पाथ है, दैट बिकम्स मोर कर्व ड्यू टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। लिख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए, कर्व पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स मोर कर्व, curved path of an object becomes more curved. For example, trajectory of a cricket ball changes in air. Trajectory of a cricket ball changes in air. It is called swing. इसको swing कहते हैं। Actually, इसका नाम spin तो नहीं है। स्पिन तो शायद वही होता है कि बॉल जमीन पे टप्पा खाने के बाद कहीं टर्न हो, इसको स्विंग कहना बेहतर होता कि बॉल हमने यहाँ थ्रो की, सामने ही जा रही है, बैट्समैन तैयार हो रहा है कि बॉल यहां से आ रही है पर बॉल यहां घुस गई, उसको स्विंग बोलते हैं। हवा में ही बॉल का पाथ चेंज हो जाना, क्या होता है क्रिकेट बॉल की एक साइड होती है रफ और एक साइड होती है स्मूथ, जो स्मूथ होती है उसको थूक लगा लगा के और घिस घिस के वो और चिकना करता रहता है बॉल को, सीम पे से बॉल को फेंकता है बॉलर, तो जो चिकनी साइड है वहां एयर की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है और जो रफ साइड है वहां एयर की वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी में डिफरेंस है तो प्रेशर में भी डिफरेंस है, और प्रेशर डिफरेंस है तो फिर तो मूवमेंट हो गई होगा, हवा में ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर लेता है वो, प्रेशर डिफरेंस है तो मूवमेंट हो गई होगा। ऐसे ही कुछ लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है ये, चाहे वो इसको स्पिन बोल रहा हो चाहे वास्तव में स्विंग होता हो, ये जो भी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना सा लिख दीजिए कि रफ साइड, द वेलोसिटी ऑफ एयर इन कॉन्टैक्ट विद रफ साइड ऑफ द बॉल, वेलोसिटी ऑफ एयर इन कॉन्टैक्ट विद रफ साइड ऑफ द बॉल इज लेस, रफ साइड के कॉन्टैक्ट में जो वेलोसिटी है वो कम है, एंड वेलोसिटी इन कॉन्टैक्ट विद स्मूथ साइड इज मोर, वेलोसिटी इन कॉन्टैक्ट विद स्मूथ साइड इज मोर, फुल स्टॉप। डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ एयर रिजल्ट्स इन प्रेशर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी इन एयर रिजल्ट्स इन प्रेशर डिफरेंस ऑन बोथ साइड्स, दस द बॉल डिफ्लेक्ट्स इन एयर, बॉल डिफ्लेक्ट्स इन एयर। बस इसी को स्विंग कहते हैं, आप इन स्विंग करा सकते हैं, आउट स्विंग करा सकते हैं। स्पिन यूजुअली तो वही होता है टप्पा खाने के बाद बॉल कहाँ उड़ रही है, और स्विंग यानी हवा में बिना टप्पा खाए ही उसका पाथ चेंज हो गया। तो मैग्नस इफेक्ट इज एक्चुअली रिलेटेड विद स्विंग, नॉट विद स्पिन। उसकी जो और जो उसने वो स्ट्रीम लाइन्स वगैरह बनाई है वो सब किसी काम की नहीं है,
इतना पोर्शन केवल आप रिवाइज करते रहिए. आई थिंक दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर. सो थैंक यू, विश यू गुड लक.